तो कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक मेरे भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई एक 2000 वाट का इन्वर्टर पर एक वीडियो बनाओ। तो उनकी परपज से एक वीडियो बनाई है मैंने। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास 2000 वाट का बोर्ड इन्वर्टर बोर्ड है जो कि मैंने पहले से ही बना लिया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगा और आगे वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अभी जल्दी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया देख लीजिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये बोर्ड है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी सिंपल बोर्ड है ये, इसका जो ड्राइवर बोर्ड है ये कंप्लीट है। और इसकी जो स्टेज होगी, जो हमारी मॉस्फेट की पावर स्टेज, उसको हम बनाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ उसके बारे में थोड़ा, तो ये देखिए इसमें लगी हुई है, ये 40 47 IC है आपकी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये हमारा प्रीसेट लगा हुआ है इसमें 500K का। ठीक है, और अगर मैं IC के बारे में बताऊँ आपको, तो ये मेरी लगी है 1800C 1200C। कोई 2 माइक ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, D13005। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊं, ये आपका 50 वोल्ट का 220 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये आपका एक LED लगा हुआ है जिससे आप इंडिकेट कर सकते हो कि ये इन्वर्टर बोर्ड चालू है या बंद है। ठीक है, काफ़ी सिंपल बोर्ड है दोस्तों ये, आपको पीछे मैं बता दूँ इस प्रकार से ही मैंने बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ये 104A का पॉलिस्टर लगा हुआ है, ये भी 104A का पॉलिस्टर, इसमें 50 वोल्ट का 47 UA कैपेसिटर, इसमें ये लगा हुआ है 1N4001, ये वाला डायोड, ये आपका 12 वोल्ट जो आपका करंट है 24 वोल्ट का, आपको रेगुलेट करके ये 12 वोल्ट सप्लाई देगा इसमें, जिससे आपका जो ड्राइवर बोर्ड है चलेगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो इसको मैं आपको चला के दिखाऊँ थोड़ा। तो देखिए ये मेरे पास 24 वोल्ट का सप्लाई है। ठीक है, ये आपका LED है, ये देखिए थोड़ा आपको मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ ड्राइवर बोर्ड को। तो ये देख सकते हैं ये उसका LED है, वो जल चुका है, ये देखिए। ठीक है,